रानी लक्ष्मीबाई का जीवन विवाह के पश्चात। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी की। उदित हुआ सौभाग्य, महलों में छाई उजियाली, रानी ने दिया एक पुत्र को जन्म। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा ले आई, रानी का आंचल हुआ सूना, वह बालक चल बसा 3 महीने का। इस घटना के बाद राजा पड़े बहुत बीमार। तब राजा रानी ने ठानी और लिया एक बालक गोद, नाम रखा जिसका दामोदर। ये है हमारा पुत्र दामोदर। काली गति चुपके चुपके फिर काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब खाए। रानी विधवा हुई खाए, विधि को भी नहीं दया आई। बुझा जो दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़पने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। यह हमारे पास अच्छा मौका है कि हम झांसी को अपने कब्जे में करेंगे। पर रानी ने भी ठानी थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मुझे युद्ध करना होगा। उधर रानी ने भी ठानी थी, मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं झांसी नहीं दूंगी, मुझे युद्ध करना होगा। तब हुआ अंग्रेजों और रानी के बीच युद्ध झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। बुंदे लेहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए अवार। रानी एक शत्रु बहुत तेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। उम्र अभी कुल 23 की थी, बन स्वतंत्रता नारी उसे वीर गति पानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी।